मंगजीरी एक बीज होता है, उसका फ्लेवर अलसी की तरह होता है, देखने में सरसों के दाने से हल्का मोटा रहता है। और तिल, दिश, शुगर, कोकोनट पाउडर, ये सारी स्टफिंग रहती है मीठे में भी। और जो नमकीन वाला है उसमें खसखस, मंगजीरी, प्याज, अदरक वगैरह मिक्स करके डालते हैं, बस तो देसी घी और चटनी के साथ। थैंक यू।
योगेश की कपूर सैन में दिख गया। दोस्तों, आज सोमवार की सुबह है और हम मौजूद हैं गांव कल्पा में, जो कि हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हम यहां कल शाम को आए थे और आज हमारा सफर का तीसरा दिन है। रात को यहां का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 5 से 10 के आसपास था और अभी 15 डिग्री के आसपास है, यानी कि ठंड है अभी यहां पर। तो इस गाँव का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो आप मेरे पीछे देखिए, ये है किन्नर कैलाश पर्वत। अगर आप इसको शाम को देखेंगे तो ये आपको और भी खूबसूरत और आकर्षक दिखाई देगा। हम यहाँ कल शाम को आए थे, हमने पूरा गांव कल्पा घूम के देखा है। एक छोटी सी आबादी का ये गांव बड़ा ही खूबसूरत है। और ये सामने देखिए, ये है बुद्धिस्ट टेम्पल, हम कल शाम को यहाँ भी गए थे। तो दोस्तों, जब हम कल्पा में एंट्री करते हैं तो एंट्री पे ही ये सेब के बाग हैं। और ये देखिए रेखा, ये सेब के बागों को देख रही है। इसका मन बहुत कर रहा है कि इन कच्चे सेबों को ही तोड़ ले, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी निचाई पर हैं यहाँ से तो ये जा नहीं सकती। और वो पीछे देखिए किन्नर कैलाश पर्वत, यहाँ का मुख्य आकर्षण। तो आप जब भी यहाँ पर आए, आराम से शाम को वादियों में बैठें और किन्नर कैलाश की इस खूबसूरत नज़ारे का मजा लें। धन्यवाद।